हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं भास्कर नंजोशी ब्लॉग। तो दोस्तों, सुबह का समय है और जो निकली है बहुत ही सुंदर धूप निकली है और जो कल हमारी रुपाई हुई वो पूर्ण हो गई है और अब दिन आ गए। मौसम बाहर के ने अपनी करवट बदल ली है। अभी अभी हो सकता है कि अभी आज भीषण बारिश हो जाए, तो अभी देखते हैं क्या होता है। रुपाई लगाई थी और ये है जिब्दा का खेत, छह बिल क्या कहते हैं इसे, और उसमें वो लगा हुआ है। अभी कुछ देर में उसके सामने वाले आ जाएंगे। मैं जा रहा हूँ, लेकिन पहले मैंने कहा कि गाड़ी की कर ली जाए इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस करने के लिए रुक गया हूँ। पहले इंश्योरेंस करते हैं क्योंकि आज बहुत समय बाद मैंने। तो दोस्तों, आज हम सोमेश्वर पहुंचे तो रमेश जी से मिले और यहाँ की हमने अपनी बाइक का इंश्योरेंस, तो इसी विषय में कुछ बातें हुई। तो इन्होंने बताया कि अगर किसी बंदे को स्कूटी सीखने का कोई भी हो, एक्स वाई जेड, तो इनसे संपर्क करें। स्कूटी सीखने के लिए हम आपको उनको फ्री में स्कूटी उपलब्ध कराएंगे। अच्छा, फ्री में स्कूटी? उनको केवल पेट्रोल का खर्चा देना होगा, बाकी वो स्कूटी ड्राइवर और हम उन्हें सिखा भी देंगे। अच्छा, ड्राइवर भी मिलेगा? ड्राइवर भी मिलेगा, लड़कियों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग, लड़कियों के लिए लड़की ड्राइवर, लड़के के लिए लड़का ड्राइवर, पूरी व्यवस्थाएं रहेंगी। तो कोई भी आए तो सीखे। और हमारे पंजी भी पहुंचे यहाँ। पंजी नमस्कार। नमस्कार सर। और पंजी ने भी आज अपनी बाइक की सर्विसिंग की लग रहा है जी। और एकदम संतुष्ट है सर? आनंद हो रहा है। तो रमेश जी के वहाँ आके सब संतुष्ट हो जाते हैं, और खुश हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, आपका भी धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बोला जी, आज बोला जी से मुलाकात भी होगी और बोला जी इतने प्रसन्न है कि इसके पीछे कुछ रहस्य है। आपने स्कूटी चलाना सीख लिया? 52 साल की उम्र में? 57 साल की उम्र में। तो बहुत बहुत बधाई है, आए सुविधाएं होगी, कोई भी आए वो सीख सकता है। ये सबसे बड़ा एग्जांपल है। 57 साल में अगर बोला जी स्कूटी चलाना सीख सकते हैं तो बच्चे भी सीख सकते हैं। सोमेश्वर से वापस आया तो देखा पार्किंग बन रही थी, इसके ऊपर से जो एक कटान हुआ है वो पहाड़ क्या होने लग गया है, दरकने लग गया है। देखिये कितना मलबा आ गया है सामने और अभी भी ये पहाड़ दरक रहा है। तो यह पार्किंग बड़ी खतरे की जद में आ गई है, समझ लीजिए। देखिए कितना खतरनाक पहाड़ हो गया है। कवर भी लिया और ये जो बरसात है उससे कुछ सुरक्षा भी आज हो रही है। बारिश आज हाई अलर्ट भी जारी हुआ है। तो मैं देखिए जो पानी हल्ला वाला भरा हुआ है। इनका समय है और देखा जाए तो जो भविष्यवाणी है मौसम विभाग की वो हो गई है फिर, क्योंकि हाई अलर्ट करके ऐसा हल्ला मचा दिया कि स्कूलों में होगी छुट्टियां और यहाँ मौसम विभाग की भी छुट्टी। मान लो मौसम विभाग भी, मेरे को लगता है कि मौसम देख के, कल बारिश हुई थी तो शाम तक हाई अलर्ट हो गया। बाजू आए घूमने, अभी वो कह रहा था कि देख के आते कि चाचा बारिश हो रही तो कहाँ हो रही। तो अभी शाम का और निधि जा रहे हैं घूमने, तो आज हम घूम के आते हैं जंगल की ओर। और हमारी बिटिया कह रही क्या कहा, वीडियो बनाएंगे आप? तो ठीक है, तो पहले ये तो अभी सामने का व्यू देखे कितना सुंदर लाजवाब आ रहा। और सामने हमारा गांव और ये है कोसी नदी में आजकल जो है जल का स्तर। बच्चे आगे आगे जा रहे हैं और मैं इनके साथ चलता हूँ। तो इस ओर छांव भी हो रखी है तो बच्चे खुश हैं। तो यहाँ पहुंच गए, बिटिया कुछ कह रही है। हाँ बेटा, क्या लगे? अरे तो हमारी बिटिया को यहाँ पर एक पेड़ में फल दिख गए। तो बेटा ये है, वो क्या है बताया आपको? अंजीर, क्या कहते हैं? अंजीर। तो हमारी बिटिया को दिख गया अंजीर। पहुंचे तो निधि के पास चप्पल में लग गया है जोंक और बर्तिका निकाल लिए। बत्तू निकलना? तो बर्तिका डरती नहीं है और निधि हल्ला कर रही है। हट गया बेटा, रुक रुक दिखा लेगा, मैं पत्थर से मैं हटा देता हूँ, तेरे हाथ में चिपक जाएगा। ये बड़ी हिम्मतदार लड़की है, ये निकाल दिया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं गाय के और आगे से लीजिए चल रही है जॉब की तरफ। लीजिए चल रही है उसके जॉब की तरफ। यहाँ है कक्का, यहाँ से चले कि चाक होगी। और ये आगे आगे निधि मामा का भाग रही है। तो यहाँ दक्ष का गांव, यहाँ पे है दक्ष। कहाँ पर है दक्ष? वहाँ पे, वो सामने है दक्ष लोग। हाँ वो, और ये गांव है और यहाँ पर है
निधि, तो आप आगे को चलो बाबू। नहीं चलो चलो बाबू। तो अभी बच्चे दौड़ने लग गए हैं, बहुत ही खुश हो गए हैं वो, आज घूम जॉगिंग कर रहे हैं। वाह बहुत ही सुंदर है बच्चे। अरे क्या लग गया बाबू, वो देख उस खेत में देख वो टीटिया है, टीटिया क्या बाबू देख। अरे बत्तू का देखो पाँव कितना सूज गया है, बताओ। ये यहाँ पर जोंक ने काट रखा था इसके पाँव को, तो ये हाँ तो जोंक आजकल काटते हैं तो पाँव सूज जाता है। चलो इधर से जाएंगे, कहाँ से जाएंगे? इधर से जाते हैं, रास्ता खराब है। ओ अब हम दूसरे रास्ते ही चलते बेटा, आज हम जा। अरे बाप रे लंगूर ही लंगूर है। ये देखो अब हमें रास्ता नहीं मिला, यहाँ पर सामने का जो रास्ता ये है बंद, तो अब हम जाते हैं। सामने आ गए दक्ष और दक्ष का भैया। तो कहाँ को जा रहे हो, कहाँ है गए, क्या आए हैं? तो दक्ष आ गया, दक्ष का भैया आ गया। और यहाँ पर देखिए कितने सारे लंगूर इस पेड़ में है, लंगूर ही लंगूर। तो इन्होंने डरा दिया है सबको। किसको देख के डर लग रही है? लंगूर कुछ नहीं करते, गोबर लग गया। तो अभी हमने जो जाना है इतने खतरनाक रास्ते से जाना है। ये देखो अभी बच्चे भी आते हैं, रुक जाओ बाबू। तो बच्चे आने लग गए, बहुत ही खतरनाक रास्ता है। पहले मुझे लगा बत्तू आ जाएगा बाबू। और यहाँ लंगूरों ने मचा दिया है ताल का, सब आ रहे हैं, चचा भी पीछे आ रहे हैं। तो वीडियो बनाने की ड्यूटी किसके पास है? मेरे पास। सब क्या है? और ये और वो सामने देखो बासु, बासु के दोस्त खेल रहे हैं यहाँ पर क्रिकेट, तो सामने है। तो अभी सभी लोग उसी ओर जाते हैं। उधर को आओ, उधर से इधर कांटे लगेंगे। सामने हमारे बच्चे अब खेलने लग गए यहाँ पर कुछ न कुछ खेल। क्या लगा अभी निधि? गेंदबाजी देखते हैं कैसी गेंदबाजी कर रहा है। ये देखिए बहुत, और ये आउट किया नहीं है। तो गेंदबाजी कर रहे हैं वासु यहाँ पर, ये वासु ने डाली बॉल और ये कवर ड्राइव, कवर ड्राइव। तो आज हमने क्रिकेट खेला यहाँ पर। यस सुब्बी भाई कीपर, सुब्बी भाई कीपिंग कर रहे हैं। और वासु, वासु ने डरा दिया है मेरे को, बहुत लंबी वो बहुत ज्यादा लंबी है मलिंगा। यॉर्कर चल रहा बाबू अभी है, जोक लग रहा है, जोक लग रहा है। और ध्यान नहीं देते इन गड्ढों को, पहले बंद करो। गुड नहीं, हाँ पलट इस पत्थर को, अभी था एक उधर है, इस वाले गड्ढे को भी इधर ला वाला, इस वाले गड्ढे को भी करो। कभी किसी का पांव आ गया तो इसमें लग जाएगी। देखो ऐसे गड्ढे हो रहे हो तुम खेल रहे हो यहाँ पर, क्रिकेट ऐसे लग गए रास्ता इनके पीछे पीछे। तो अभी हम पहुंच गए हैं कोलगाड़ा, कोलगाड़ा तो आगे जाते हैं। और रुको रुको क्या है, तो बच्चों को कुछ खास दिख गया यहाँ पर, व्हाइट वाला चूं कहते हैं इसे, चूं। तो यहाँ पर बच्चों को जोंक ही जोंक लगी, तो यहाँ जोंक बहुत होते हैं। कहाँ है ये देखो जोंक, एक जोंक यहाँ पर, चप्पल दिखा दिखा, एक जोंक यहाँ पर है। कहाँ है चप्पल में? चलो वापस चलते यहाँ से, आओ नीचे आओ, चप्पल हाथ में पहन देख, चल तो हाथ में। तो निधि के चप्पल में लग गए जोंक और निधि ने लगा दिया दौड़। रुक जा, तो मैंने कहा था ना इधर नहीं आना है। बासु ये देखे ये भाग गई, ये देख बिना चप्पल में नहीं देखे। रुक जा आ गया। अरे कितने लगे बताओ? चार लगे, और आएगी इधर घूमने बरसात में? मैं कहाँ लाया, मैंने कहा उधर को जा, तो गाड़ी खेत तो आए, लेकिन आगे को कहाँ जाना था? जंगल को, जंगल को जाओगे? जाओगे जंगल को हैं? पे अब घर कहाँ है? और रखो ये पत्ती का क्या, हाथ में लगी जोंक, इसको रगड़ो देखो। ये जोंक है, चलो चलो घर को चले, आप यहाँ नहीं रुकते। तो बच्चों की हालत खराब हो गई है, कमर में पड़ गई है चशक, तो ऐसा ही होता है। और गाय बच्चे के ग्वाला, हाँ गाय बच्चे का ग्वाला, बहुत सही कर रहे हो यार, ग्वाला रहना बहुत जरूरी है। और हमने बच्चों को लाए तो इनको लग गए हैं जोक, जोक। तो जोकों को देख के ये हो गए हैं प्रसन्न, प्रसन्न हो गए। तो आज से आओगे इधर? मत आना है, कभी नहीं आऊंगी मैं, क्यों जाड़ों में आना इधर को, ठीक है? जाड़ों में आना, तब जोक नहीं होती बेटा। कहाँ रहेगी?
लकड़ी अपने आप रहती लकड़ी। तो देखते हैं इस जोंक को, उधर को। तो अभी हम घूमने गए और हमारे बच्चों को लग गए जोंक। तो जोंकों ने अच्छा, और हमारी वर्तिका कह रही मेरे को वन ही जोंक लगा, और वर्तिका ना निधि को बहुत लग गए ना, और लग गया क्या जोंक है बाबू? तो जोंक देख रही है और हाँ, निधि जो है निधि भाग के चली गई है। फिर लगा था तू, यहाँ पर निकाल ली थी। ओरे, तो आज तो जोंक ही जोंक, जोंकों ने कर दिया परेशान। खाएगी तो अंजीर के फल खिलाओ गे रही। अब मैं कैसे तोड़ू, मैं तो पहुंच नहीं पाऊंगा, कोशिश कर पाऊंगी। अंजीर ये देखिए, ये अंजीर का पेड़ है सामने, और हमारी बिटिया कह रही मेरे को दो। तो अब मैं तो आप ले जाओगे इनको, पकड़ो एक अंजीर मेरे को दे दो, इसको छोड़ो ये वाला, नहीं इसको पकड़ो, ये मैंने ले लिया। तो दोस्तों अंजीर भी खाना चाहिए, अंजीर जो खाता है बन जाता है जंजीर कहते हैं। तो आज खाया जा अंजीर, बहुत ही स्वादिष्ट फल है ये। देख कैसे खाते हैं बाबू ये। और दोस्तों सामने का व्यू देखिए, वर्तिका अभी गाना गा रही है कि निधि को लग गए जोंक। क्या है आलू, क्या आलू यहाँ पर, ये वाला आलू दूं तेरे को। तो दोस्तों अभी अंधेरा होने वाला है और हमारे मंगल ने हमें कर दिया है परेशान, मंगल भाग गया है। तो उसको मंगल के लिए हमारी बिटिया आ रही है, तो वहाँ भाभी जी भी खड़ी है नीचे। तो मंगल को जैसे ही घर को लाते हैं तो मंगल लगा देता है दौड़। आप इसको, अरे इधर से ला रहा हूँ, ये देखो मंगल बहुत बिगड़ गए। अब मंगल गया, समय हो गया है, और आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।